दिल्ली फॉरन का दशहरा त्यौहार के मौके पर जनाब आर सत्यनारायण साहब साझा प्रेजिडेंसी मेंबर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इस मरतबा भी दशहरा त्यौहार के मौके पर सत्यनारायण साहब अपने मकान पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तबकात के भाइयों के एजाज़ में एक दशहरा मिलाप लंच का अहतमाम किया गया है। ये एक ऐसा अमल है सत्यनारायण साहब का जो गंगा जमुनी तहसीब का अमली मुजाहरा है और ये गुज़िश्ता तकरीबन 15-20 साल से मुसलसल करते आ रहे हैं और दशहरा त्यौहार के दीगर मजाहिब को भाइयों को भी इसमें खुशी में शामिल करते हैं और दीगर मजाहिब के जो भी अपराध हैं वो उसकी शिरकत करते हुए जनाब सत्यनारायण साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम ऐसी तवक्को रखते हैं कि जो है ये फिरके वाली एक जो है कि गंगा जमुनी तहजीब और मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए इस तरह की तकारीब की ज़रूरत है और सत्यनारायण साहब इसकी जो है पूरा कर रहे हैं और तौफ करते हैं कि मुस्तकबिल में भी सत्यनारायण साहब इसी तरह से हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए हमेशा अमली तौर पर काम करते रहे। अस्सलामुअलैकुम। आज आर सत्यनारायण साहब की जानिब से दशहरे के मौके पर जो हर साल आप दावत का अहतमाम करते हैं ख़ासकर मुसलमानों के लिए ताकि एक गंगा जमुनी तहजीब ज़ाहिर हो सके और हमेशा से उनकी कोशिश रही है संगारेड्डी में कि हिंदू मुस्लिम सबको ले चलें और साथ में मिलकर रहें और नाम बनाम सबको याद करते हैं और यहाँ पर ये गैदरिंग होती है हर साल और तमाम हाजरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका की कला पहुँची और मालूम हुआ वो हाजिर हुए हैं, बड़ी खुशी हुई है और आप तमाम से गुजारिश है कि सत्यनारायण साहब के हक में दुआ करें कि उनकी सेहत और मजीद बेहतर है। आप जो यहाँ है इसके लिए शुक्रिया। इधर भी एक बिरादर भाई लियाकत भाई है, हमारे साहब है वहाँ पर भारत मन इधर जो जो प्रोग्राम को हम लोग अटेंड करे हुए सत्यनारायण साहब का सभी लोग स्पीचों में बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पे जो है सो लाइव है जो इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि हमारे फैसल भाई अनवर भाई सब लोग बताएं एक बेहतरीन एक मिसाल है कि एक अपने दशहरे पे जो है सो एक माइनॉरिटीज़ को मुस्लिम्स को बुला के क्रिश्चियंस को बुला के एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सालों से चलते आ रहा है। ये प्रोग्राम जो है सो हर किसी को करना चाहिए, इसी तरह का माहौल बनना चाहिए, ये एक मिसाल है, इसके लिए हम सबका शुक्रिया। उठाने उठाने भी